ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी कथा प्रेमी सुधी श्रोता चरणारविंद में पुनः सादर भगवत भाव से वंदन करते हैं और श्रीमद् भागवत के इस प्रेम रस से भरे पवित्र भक्ति रस देने वाले प्रसंग का हम वैष्णव गुरु आश्रय लेते हुए कुछ श्रवण कीर्तन करके अपने हृदय को विशुद्ध करने का विनम्र प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध चैप्टर श्लोक संख्या 5 से प्रारंभ करते हैं। मयिता प्रेयसा पृष्ठम पृष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्योऽन्ध विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठविह्वला। मयिता प्रेयसा पृष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त
प्रिय स्मरन्त्यो अंग विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठ विह्वला। भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से ये श्लोक उच्चारण हुआ और मधुरया गिरा बल्ब वाक्य आप सभी वैष्णव समझते जानते हैं। अधरम वदनम मधुरम वदनम मधुरम, उस पद में श्री वल्लभाचार्य ने वचनम मधुरम भी कहा। तो भगवान श्री कृष्ण के वचन है जो मधुर है, और मधुराधिपत्य अखिलम मधुरम, इसका तात्पर्य यह है कि जो भी इन श्लोकों को इन कथा को गाएगा सुनेगा वो भी मधुर हो जाएगा। और मधुरा इति राधा तस्य पते मधुराधिपते राधाया पते, ये अर्थ भी श्लेष इसमें छुपा हुआ है। मधुराधिपति मतलब राधा पति, क्योंकि सबसे मधुराती मधुर तो श्री शिवानंदन का स्वभाव स्वरूप सौंदर्य सब कुछ है। तो भगवान श्री उद्धव को इस श्लोक में कह रहे हैं अंग, बहुत ही हृदय के निकट जो होता है और जिस पर हमें अपनापन और विश्वास अपने से भी अधिक होता है, उसे संस्कृत के लेखनी में अंग शब्द है जो बुलाया जाता है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी कृष्णचंद्र मथुराधिपति उद्धव को कह रहे कि हे अंग, ताम ताम मतलब ये ब्रज गोपिया सर्वनाम है, ताम मई प्रेयसाम प्रेष्ठे, वे ब्रज की गोपिया केवल मुझे ही परम प्रिय मानती है, मुझे ही प्राण जीवन धन मानती है। लेकिन अभी वो दूरस्थ थे, लेकिन वो अभी दूर है, दूर स्थित है। कौन? गोकुल स्त्रिया, वे गोकुल की स्त्रिया, गोकुल की ब्रज वनिता, ब्रज गोपी। तो हे अंग, वे गोकुल की स्त्रिया गोपिया जो अभी मुझसे दूर है शारीरिक रूप से, वे मुझे ही प्रेयसाम पृष्ठ, मुझे ही प्राण प्रियतम मानती है। इसका हिंदी अनुवाद सहज आप समझ सकते हो। देखो भगवान ने कल के श्लोक में कहा कि तान मन मनस्का, उसका मन मुझ में ही है, और मत प्राण, वो मुझे ही अपना प्राण जीवन धन मानते, और मदर थे त्यक्त देही का, और मेरे कारण उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये कलम संक्षेप में चर्चा की है ना। अब भगवान यहाँ पर वही बात मानो ऐसा लग रहा है कि दोहरा रहे, आवृत्ति कर रहे, लेकिन विद्वान लोग आवृत्ति को दोष मानते। विद्वान एक बार बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन यहाँ भगवान विद्वान ज्ञानी बन के नहीं बोल रहे, प्रेमी बन के बोल रहे, और प्रेमी तो विपसा जरूर यूज करता है, बार बार बोलता ही है। लेकिन देखिए मैं सरलता से हम इस श्लोकों में इस प्रसंग में हमारा चित्त मन लगे उस अनुसार वक्तव्य देने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे अंदर सौ सौ इच्छाएं हो सकती, बद्ध जीव है, भौतिक जगत में है और रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है। ऐसा कहते हैं ना कि अहम ईगो फॉल्स ईगो, ये हमारा स्वभाव है और माया का प्रभाव है और भाव का अभाव है, ये हमारी वास्तविकता है। तो भक्तों बहुत सारी इच्छाएं आती है जाती है, काम कामा लभन्ते गीता में है ना। लेकिन जैसे अम्बरीश के प्रसंग में सुखदेव जी ने कहा कि दास्यश्च काम न तु काम,
एक ही कामना थी अम्बरीश, हवे मन कृष्ण पदारविंद, उस भाव अनुसार मैं ये संदेश दे रहा हूं। जो गोपियों का तो स्वरूप है, बड़ी ऊंची अवस्था है, भक्ति की उच्च शिखर पराकाष्ठा में वे है और हम लोग साधक है, लेकिन हमारा लक्ष्य भी तो वही है, हमें भी तो वही पहुंचना है, इसलिए इसको समझना जरूरी होता है। तो सौ सौ इच्छाएं संसार की भौतिक आध्यात्मिक होती रहेगी साधना सेवा की भी, लेकिन एक बात सार रूप में हम निवेदन करें कि इनमें से एक इच्छा ये भी मिला दो कि हमें कृष्ण से मिलनी, जैसे मुझे राजा बनना है, मुझे धन चाहिए, मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, मेरा परिवार ठीक हो, या फिर मेरे डिग्री पढ़ाई, ये सब बहुत सारी इच्छाएं होती है स्त्री पुरुषों को, हम वैष्णवों को भी होती है, ईमानदारी से मान लेना चाहिए। लेकिन उन सारी इच्छाओं में एक इच्छा ये भी, 101 भी, 100 तो होगी, अधिक भी हो सकती है, लेकिन 101 नंबर इच्छा की मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे ठाकुर जी को, मेरे कृष्ण को, इष्ट देव को पाना है। अगर ये इच्छा मिल जाएगी ना तो फटकरी का काम करेगी। हमारे यहाँ पानी को स्वच्छ करने के लिए उसमें फटकरी डालते ताकि वो सारा कचरा सोच ले। मुझे कृष्ण को पाना है, मुझे कृष्ण से मिलना है, ये इच्छा अगर आ गई तो अन्य जो जो सांसारिक इच्छाएं है ना उसको काट दे, पक्का है, क्योंकि भगवत भक्ति का ये स्वभाव प्रभाव है। तो ये एक तो इच्छा, जैसे गोपियों का तो यही एकमात्र इच्छा है कि मुझे कृष्ण दर्शन, दैत दृश्यता दीक्षुताव का, गोपियों का एकमात्र कृष्ण दर्शन वांछा, कृष्ण मिलन वांछा, कृष्ण सेवा संतुष्टि वांछा है। तो तत्सुख सुखित्वम की भावना है गोपियों की, तो इसलिए इसको और कोई इच्छा है भी नहीं बल स्वरूप। और दूसरा बात देखो, संसार में जितने भी संबंध है माता पिता के, ऐसे आप लौकिक धर्म पढ़ेंगे ना, धर्मशास्त्र, वो भी व्यास के द्वारा प्रमाणित है और पुराणों में उनकी कथाएं भी है और नैतिक शिक्षा भी यही है, जैसे माता पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, सही बात है, धर्म है, पति पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म है, भारतीय संस्कृति है, भाई बंधुओं को झगड़ा नहीं करना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक धर्म है। लेकिन गोपियों ने तो ये सब छोड़ दिया, मदर थे त्यक्त देही का, जैसे कल आया था, तो उस पर मैं एक मैसेज देना है आप भक्तों को, आप भक्तों की आशीर्वाद से हमें जीवन में धारण करना है, इसलिए बोल रहा कि माता पिता को छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, भाई बंधुओं को छोड़ना यह धर्म है और पालन करना धर्म है, शास्त्र ये भी कहता, लेकिन मदर थे शब्द है, ध्यान दीजिए भाई, मेरे कारण मुझे पाने के लिए, या तो मैं कहूं या मेरी भक्ति में जो बीच में आते हैं, तब ये एक मदर थे। अब आप देखो, अपने स्वार्थ भोग के लिए हम माता पिता को छोड़ रहे हो निजेंद्रिय के लिए, तब तो अधर्म हो जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति लिए के लिए जैसे गोपियों ने छोड़ा, तब तो परम धर्म हो गया। तो एक होता है अधर्म, दूसरा होता है धर्म, तीसरा होता है परम धर्म, सवे पुंसो परो धर्म। अब जब आत्मा हम है और आत्म धर्म की बात है, अब शारीरिक धर्म मानसिक धर्म नीचे रह जाते हैं। बहुत नैतिक सरल बात मैं बोल रहा हूँ, आप आशा करता हूँ समझ रहे होंगे और दूसरों को भी समझा सकते हैं, कि कहीं हम धर्म के नाम पे अधर्म कर देते और धर्म के नाम के परम धर्म भी चूक जाते हैं। इसलिए यहाँ पर देखो भागवत के शब्दों में क्या समाधि भाषा है ना, गायत्री रूपो असो गरुड़ पुराण कहता है, तो इसलिए, और गागर में सागर भरा है सुखदेव जी में, रस का, प्रेम का, भक्ति का। तो यहाँ पर मदर थे त्यक्त देही का, मेरे कारण वो सब कुछ छोड़ने को तैयार, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा,
अति विलंघ्यते अच्युतागता। ये ब्रज गोपी है, ये इनका गीत है प्रेम गीत। गोपी के हृदय में जो प्रेम है ना, उसी ने शब्द का रूप लिया तो वो गोपी गीत बना। पति सुतान भैया सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। जैसे वो गोस्वामी का पद बड़ा प्रसिद्ध है ना, बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनिता। तो सब मधु मंगलकारी, सबका मंगल ही हुआ क्योंकि कृष्ण के लिए छोड़। तो ये बातें आगे विस्तार से आएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ आप भक्तों का कि हम धर्म शास्त्र के, लेकिन धर्म के ऊपर परम धर्म की बात। इसलिए श्रीमद् भागवत सुन रहे हो आप, जिसमें कैतव नहीं है। धर्म प्रोजिक्त कैतवोत्र परम शरणम सताम। तो कैतव कैते आत्मवंचना कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य काम। श्रीधर स्वामी टीका में बाबा दर्शन दिखते है कि मोक्षा भी संधि फल रहिता, और ये चैतन्य चरितामृत भी है, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रदान। और हमारे ये जो लौकिक धर्म शास्त्र है, नीति शास्त्र है, तो ये तो बस धर्म अर्थ काम और मोक्ष तक तो समाप्त हो जाते, लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम है। और व्रज की गोपिया गोपी प्रेम की ध्वजा सूरदास जी ने लिखा, तो इसलिए चर्चा बड़ी ऊंची हो रही है। इसलिए सामान्य धर्मों को लागू नहीं करना चाहिए, बहुत ऊंचे मन से साधकों को इस प्रसंग को समझना पड़ेगा। और जितना गहरा वेणु गीत प्रणय गीत और उसमें भी गोपी गीत युगल, उन सबसे विप्रलम्ब रस की पराकाष्ठा भ्रमर गीत है जो इस प्रसंग से चालू होने वाला आगे अध्याय। मैं तो उनकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप सब सुने पड़े होंगे भक्तों से, तो बड़ी ऊंची बात, इसलिए बहुत लेवल हाई हो जाता है। तो मैं तो बहुत सरलता से आप भक्तों को एक एक सीढ़ी स्टेप प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सब दैहिक धर्म है, लौकिक धर्म है, जो प्रभु के लिए छोड़े जा सकते हैं तो वो सन्यास माना जाता है। सन्यास मतलब लाल वस्त्र गेरुआ और बाह्य रूप से तो ओके, लेकिन सम्यक न्यास जिनकी मान बुद्धि कृष्ण में स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है। फिर करिष्य वचनम तब, जहां पर अर्जुन गीता सुन के अपना फाइनल निर्णय देते हैं कि अब धर्म तो साक्षात भगवत पर, आप जो बोलेंगे वही करेंगे। और कृष्ण की बातें समझने के लिए भी कृष्ण में प्रेम और अपनापन और उनकी कृपा होनी चाहिए। वैसी राजपंचायी अध्याय में देखिए भक्तों, तान मन मनस का मत मत प्राणा और मदर्थ त्यक्त देही का, और रास में वेणु बजी तो सब गोपिया अधिराज में आई, और भगवान वहां पर यही उपदेश दिए सुश्रुषोपति सती, अरे तुम सती हो और जाओ अपने घर, आधी रात में यहाँ पहुंच गई। आप लोगों ने अगर दास पंचायती सब देखा पढ़ा सुना होगा तो पता ही होगा भक्तों। लेकिन उसमें हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर मर्म समझाया कि अपने पति के पास जाओ, सती नारी का ये कर्तव्य है, लेकिन उसमें कटाक्ष था, प्रेमी कटाक्ष करता है अपने प्रियतम के प्रति, और प्रेम में मान प्रणय जब ऊंची अवस्था में जाता है तो ये सब होता है। चैतन्य चरितामृत या भक्तिरसामृत सिंधु का अध्ययन गहरा करोगे तो समझ पाओगे इस बात को। तो भगवान कह रहे शुश्रूषो पति, मतलब पति की सेवा करो, तो आप पति के पास जाओ, पति की सेवा करो। मानो गोपियों को तो बंसी बजा के तो तुम ही ना बोल, लेकिन पादो पदम न चलस तव पाद मूलाद, एक भी गोपी नहीं गई। तो भगवान की आज्ञाकारिणी दासिनी त्रिशुल्क दासी का किंकरी मानने वाली, और भगवान की संतुष्टि प्रसन्नता ही जिनका जीवन है, और वे भगवान कह रहे कि जाओ, फिर भी नहीं गई। तो एक तरह से बाह्य रूप से लगता है कि आज्ञा उल्लंघन हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता संतुष्टि से विरुद्ध कर रही है, लेकिन नहीं, तो भी प्रेम तत्व को पार जान चुकी है ना, इसीलिए नहीं गई। क्योंकि वो जानते थे, कह तो रहे बाहर से, लेकिन अंदर से चाह रहे कि ना जाए। अगर भेजना होते तो बुलाते क्यों? तो भगवान की बात समझने के लिए भगवान के समर्पण शरणागत पर पूर्ण रूप में होकर भगवान की कृपा होती है, तभी समझ पाते हैं। यमे वेश वृणीते तेन लभ्य वाली बात हो जाए।
उपनिषद के अनुसार, है ना। तो फिर जैसे मैं आपको यहाँ पर एक श्लोक आया है, हम लोग सुनते हैं गोपियों की ता गोपिया, जैसे अर्जुन आदि पुराण में प्रसंग है ये, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण आप कभी ये बात बोलते हो कभी वो बात बोलते हो, और कभी बोलते कुछ हो और करने को कुछ और कहते हो, मतलब शास्त्रों में उपदेश देते हो ऐसे ऐसे करे और डायरेक्ट भक्तों कहते हो कि तुम ऐसा करो। तो प्रभु कभी कभी समझ में नहीं आती आपकी बात। ये अर्जुन आदि पुराण में भी कहते, गीता में तो बहुत जगह है कृष्णांतर, और बाद में अर्जुन क्लियर पूछना चाहते कि हे कृष्ण मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके लाखों करोड़ों भक्त है साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य आदि रसों में भी, उनमें से मैं भी एक भक्त हूँ रस साक्ष्य में, और आप मेरे निकटतम मित्र है और आदान प्रदान हमारा सेवा लीला बहुत कुछ है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। तो भगवान मंद मुस्कुरा रहे ठाकुर, हाँ तुमको क्या समस्या है अर्जुन? बोले प्रभु ये बताओ इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में या आध्यात्मिक जगत गोलोक कोई है जो आपको कंप्लीटली पूर्ण आपको समझ सकता है? तो भगवान ने वहां पर खुशी से आनंद से जवाब दिया, हाँ ब्रज की गोपिया जो मुझे समझती। भगवान का एक ही आंसर है, जानंती गोपिका पार्थ न तू न मैं जानंती। अगर मुझे पूर्ण रूप से मेरा प्रेम मेरी संतुष्टि मेरा हृदय अगर कोई समझता है तो वो है जानंतु गोपिका पार्थ, हे पार्थ ब्रज की गोपिया जानती, नहीं अन्य की मुझे पता नहीं, भगवान ये कहे। और देखिए आप नारद पंचरात्र भी पढ़े होंगे, आप सबको पता है कि भाई भक्ति वश ही पुरुष यम लब्ध्वा पुवान सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति, और भक्ति लभ्यते भगवान भी भक्ति से प्राप्त होते, लेकिन वहां लिखना पड़ा ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी को जो भगवान के मनो अवतार है, उन्हें कहा प्रमाणस्तत्र गोपिका, और इसका एकमात्र प्रमाण है ब्रज की गोपिया, और इस गोपियों के विषय में भगवान गोविंद स्वयं यहाँ पर बोल। इसीलिए हम लोग को भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रील प्रभुपाद से जुड़ते ही, देखो प्रभुपादानुग जब हम होते हैं तो उसी समय हम रूपानुग हो जाते हैं, और रूपानुग मंजरी भाव वाली जो उपासना जो चैतन्य महाप्रभु ने दी है उसमें हमारा लक्ष्य यही है ना कि राधा कृष्ण युगल की निकुंज में गोपियों की सखियों की आज्ञा के अनुसार किंकरी सहचरी सेवा भाव की प्राप्ति, सिद्ध देह में सेवा साधक रूपेण वक्र श्याम सिद्ध होने के अनुसार, तो उनके लिए इन लीलाओं को सुनना जानना तो पड़ेगा ना, भले हमारी अवस्था यहाँ तक नहीं है लेकिन हमें वहां पहुंचना है, तो उनके विषय में सही स्तोत्र से परंपरा से उन प्रेमी वैष्णवों से सुनना तो पड़ेगा जो हमारे आचार्यों की और भागवत की ही वाणी है, लेकिन कभी कभी संकीर्णता में हम उसको भी अपराध मानकर और मना करते योग्यता ने क्या क्या कर दी उस कारण रह जाते हैं। इसीलिए कभी कभी अवसर मिलता है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर दशम स्कंद के कुछ लीलाओं का आचार्यों के अनुसार श्रवण कीर्तन कर, लेकिन साथ साथ में अपनी निजी भोग में ही बद्ध अवस्था को याद रखना, और हमें आचार्यों की आज्ञा में साधना सेवा नियम फॉलो करना, तब उसको हम पाएंगे थे, लेकिन हमारी चाह तो होनी चाहिए। हम चाह ही नहीं है तो फिर आह है इस संसार में, इस पूरे विश्व में आह है, शादी की एक दिन दूल्हे की वाह वाह पर जीवन भर आह आह वाह का आह हो जाता, लेकिन आज किसी के पास भी आह है ना, आह मतलब दुख का एक उद्गार है, ओह माय गॉड सो सैड, अब कोई मर गया कोई धन चला गया तो इसी तो दुनिया में लगा रहेगा संसार दावा में ले लो राइट, लेकिन भक्तों आह इसीलिए है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी की चाह है, और संसार में किसी भी व्यक्ति की और किसी भी वस्तु की चाह है तो परिणाम लिख लो आह ही होगा। प्रभुपाद ने चाय तो छुड़ाया, चाह जिसे कहते ना चाह पियो, चाय तो छुड़ाया छुड़ाया लेकिन हमें चाह और छोड़ना है, चाय तो चाह छोड़ दिया मतलब चाय टी, लेकिन हमें चाह बहुत है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, इसलिए इस गोपी का प्रसरण
प्रसंग जो बार बार चिंतन करेंगे क्योंकि गोपी को कृष्ण के अलावा कोई चाह, बस उसे उसका प्राण जीवन दन कृष्ण को मिलना, और कृष्ण से भी कोई चाह, केवल कृष्ण की चाह, कृष्ण से कुछ नहीं चाहती गोपी, कृष्ण को भी कृष्ण से चाह में कृष्ण को चाहती है, और इसलिए मिलकर देखकर भी कृष्ण को आनंद देना चाहती, कृष्ण को सुखी करना चाहती, ये है ब्रज की गोपिया। और फिर भी इतना अपार गहरा विशुद्ध प्रेम होने के बावजूद भी गोपन करती है, छुपाती, प्रदर्शन नहीं करती। ये भगवान चाह रहा है कि गोपी प्रेम का वैष्णव लोग दर्शन करे, इसलिए उद्धव को दे। गोपी तो खुद प्रदर्शन करेगी नहीं, लेकिन ये गोपी का प्रेम पूरे वैष्णवों के लिए दर्शन के पात्र है, मतलब जानने योग्य है, ताकि दुनिया जाने की प्रेम किसे कहते हैं, इसलिए उद्धव को भेजा जा रहा है। और उद्धव खुद जाने की ये पोथा पोथी में ज्ञान अहंकार में घूम रहा है मेरा सब, तो वो प्रेम से पूर्ण हो जाए। और एक आचार्य, तो मैं आज पढ़ रहा था गोपी को गृहीत्वा पाणी ना पाणी, तो लिख रहे थे कि भगवान ने जब उद्धव का हाथ पकड़ा ना, उसी समय हाथ पकड़ना मतलब समझते हैं ना आप लोग, पाणी ग्रहण, हाथ पकड़ लिया मतलब उसी समय अपना सखी भाव दे दिया, क्योंकि गोपियों के बीच में इसको भेजना है सखियों के बीच। अब देखो आज आचार्यों का भाव है अपना अपना, उद्धव का हाथ पकड़ता, कोई पुरुष जब हाथ पकड़ता है तो मित्रता में पकड़ता है, ओके, लेकिन यहाँ पर कृष्ण हाथ पकड़ रहे और गोपियों के, तो भगवान ने सोचा कि पुरुष भाव में जाएगा, उसको पहले तो हाथ पकड़ के अपनी सखी, सखा तो आई है, दही तो सखा, अब इनको सखी के पास भेज रहा हूं और प्रेम का तत्व पढ़ाना है इसको, इसलिए सखी मूड दे देता हूँ, प्रसाद दे देता हूँ। अभी अब मान्य स्वीकार्य भाव का आचार्य का वैष्णव का अपना निर्मलता, अपना भक्ति के भाव अनुसार भागवत का रस लेते हैं, रसी का भूवी भावुका का ग्रंथ, और सुखदेव जी ने ये सब, जहां तक दशम स्कंद और माधुर्य लीला की बात है ना, उसमें तो बस स्थाने स्थाने भागवत वर्णीय बहुत शॉर्ट में और संक्षेप में ही बताया, ताकि गौड़ीय वैष्णव विशुद्ध भक्तों के लिए छोड़ दिया है, इसलिए तो हमारे जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इस पर और विस्तार से टीका लिख रहे। सुखदेव जी ने तो गोपन रखा, लेकिन इनके एक एक शब्दों का अर्थ भाव जब हमारे आचार्यों का हम आश्रय लेते हैं, तो सरलता से, सहजता से हम इसका आस्वादन करके अपना रस, अपनी भक्ति वर्धन कर सकते हैं। और इसका एक लाभ होगा कि हमें भगवान को देखने की, भगवान को मिलने की चाह प्रकट हो जाए, और एक बार ये चाह हो गई तो आह तो होगी, लेकिन वो अलग टाइप की आह जो गोपियों के पास है, और वो आह में भी आनंद है, कृष्ण विरह में भी महासुख रस आनंद है, ये आचार्यों ने समझाया है बहुत जगह। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेज रहे, लेकिन हमारे लिए ये सब विचार आवश्यक है, ओके। तो यहाँ पर कह रहे मई ताप्रेयता प्रेष्ठे दूरस्थे, मतलब वो शारीरिक रूप में दूर है अपने पति के पास, पुत्रों के, लेकिन वो है गोकुल स्त्री। अब देखो यहाँ गोकुल की स्त्रिया है ना, अब गोकुल भगवान का निज धाम, कृष्ण जिनका नाम है, आप लोग गाते हो ना, गोकुल जिनका धाम है, तो गोकुल की ये नारिया है। और क्या करे, स्मरण क्यों अंग विमुह्यंती, हे अंग हे उद्धव, स्मरण क्यों, मेरा स्मरण करते, विमुह्यंती विशेषण मुह्यंती, मेरा स्मरण मात्र होने पर ही वो विमोहित हो, मतलब मूर्छित हो जाते, और विरहो चिकंठ विह्वला उत्कंठा, बड़ा प्यारा शब्द है कंठ, आप सबके पास उच्च मतलब प्राण उसका जो कंठ तक आ जाना, उत्कंठा अतिशय तीव्र लालसा, मुझे देखने की, मुझे मिलने की जो उत्कंठा है, वो इसमें उतनी विह्वल, इतनी व्याकुल हो जाती उस विरह में कि विमुह्यंती, मूर्छित हो जाए। इसको मैं सरल रूप से आपको अनुवाद करूं तो यह होगा भक्तों कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की इस पीड़ा का अनुभव किया, सबके हृदय में है,
और सर्वत्र है और सर्वज्ञ है ठाकुर जी, तो सब कुछ जानते हैं। तो गोपी मुझे मिलने के लिए मेरे विरह में व्याकुल है, और ये जो विप्रलंब विरह पीड़ा जब भगवान कृष्ण अनुभव किए, तो उन्होंने कृष्ण ने अपनी एक सखी को भेजा कि जाओ ब्रज की गोपियों के पास। कौन सी सखी? तो ऐसे दृष्टांतमक रूप में, विनोदात्मक में आचार्य लोग समझाते हैं कि मूर्छा नाम की सखी को भेज। देखो ये नींद, ये मूर्छा, ये भी सब भगवान की ही एनर्जी है ना, शक्तियां हैं। बोले देखो अगर ये गोपियों के पास तुम नहीं गई ना अभी, क्योंकि मेरे स्मरण में विरह में इतनी व्याकुल है, और उसका प्राण कंठ तक तो आ गया है, अब प्राण शरीर से निकल जाएगा, मर जाएगी अगर तुम जाकर उसको मूर्छा न दो। और मूर्छा दसवीं दशा है, अष्ट सात्विक विकार की बात आप सुने होंगे रोमांच कंपा अश्रु तरंग आदि में, उसमें अंतिम आठवां दशा है मूर्छा, वो आठवीं दशा है मूर्छित। मतलब महाप्रभु चैतन्य गंभीरा में इस लीला को प्राय पूरी में दिखाते, दर्शन करते थे सिद्ध लोग, हाँ आदि जो हमारे रामानंद राय आदि, स्वरूप दामोदर आदि, आप सब पढ़े होंगे। तो मूर्छा अगर मूर्छित न हो तो प्राण निकल जाए। प्राण निकालने के लिए बैठते अपना चालू कर दिए, अभी इधर नहीं बैठाना है यार, अब इधर नहीं बैठेगा। ये विनय जहाज से निवेदन है कि आपका चालू हो गया भाई। पानी इधर है ना, पानी चला। जी कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु अपना हरे कृष्ण प्रभु कीजिए ना, हरे कृष्ण विनय प्रभु अपना म्यूट करें। धन्यवाद। अब वैष्णव बड़े अनुग्रह करते हैं कि कम से कम म्यूट करते हैं, पहले विशेष कृपा करते हैं फिर कृपा करते हैं, थैंक यू। क्योंकि ये ऑनलाइन कथा है ना, इसमें ये समस्या है, श्रोता लोग फ्री होते हैं, किसी से भी बात करो, कहीं भी देखो घूमो, इसलिए हमको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता ऑनलाइन में, लेकिन सेवा करते हैं आप भक्तों की आज्ञा में, क्योंकि इसमें जो प्रामाणिकता और जो समर्पण बिल्कुल नहीं होता, श्रोता बहुत कम होता है किसी किसी का, बाकी घर में सब देखना चलना बोलना, और प्रभु जी लोग बोलते रहे बस होता रहे। इस तरह कथा से ज्यादा प्रगति हुआ तो नहीं है किसी का, थोड़ा मन हो रहा है और थोड़ा लगता है कि हम भी सुन कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव सुनाते थे पहले, सन को अर्थ लाभ है, वक्ता के गुरु के सामने बैठने वाला असली लाभ प्राप्त करता है। तो कोरोना के चक्कर में ये सब पर ये कृपा चली गई। एनीवे मैं आप लोगों को, सब भक्तों को निवेदन जरूर करूंगा कि ये आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी, आध्यात्मिक वस्तु हमें भौतिक टेक्नोलॉजी से प्राप्त हो रही है, लेकिन हमें आध्यात्मिक बनना है, हम जड़ ना बने टेक्नोलॉजी की तरह, क्योंकि अंततः तो ये भक्ति है ना, भाव का विषय, समर्पण का विषय, प्रदर्शन का तो बिल्कुल नहीं। हमें तो कोई शौक नहीं होता कि भाई 50 लोग देख रहे, देखता भी नहीं कौन ऑनलाइन है कि क्या है, लेकिन किसी का तो यही शौक होता है कि कितने ऑनलाइन, फिर कितने फॉलोअर और कितने, यही सब चक्कर में श्रोता वक्ता सब पड़े हैं, हम देख रहे हैं सब नाटक और चल रहा है। लेकिन भागवत को जिसको आत्मसात करना है, हमारे गोस्वामियों ने और प्रभुपाद ने जो हमें भागवत रस चैतन्य महाप्रभु परंपरा में दिया है वो कहीं नहीं है, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत वंदोमयी सावधान मते। कभी किसी वैष्णव से इस वाक्य का अर्थ जरूर समझिएगा, रोज बोलते हो ना वंदोमयी सावधान मते किसे कहते, कभी क्लास हो सकता है एक लाइन पर कि सावधान मतलब क्या,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। क्योंकि सुखदेव जी भी बार बार सावधान त्रया सुनो, सावधान त्रया सुनो कहते रहे। ओके, तो थैंक यू कथा लिंक में विक्षेप करने के लिए सभी जिस भक्त ने किया उसको थैंक यू कह सकते हैं। आगे से सावधान रहे। मैता प्रेयता पृष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिय स्मरन्त्यंग विमुह्यन्ति विरहोत्कंठ विबला। इस तरह जो अभी सुन रहे ऐसे तो कभी वीर उत्कंठा होगी नहीं प्रभु जी। ये तो बस हम लोग एबीसीडी पापा पगली कर रहे। इस तरह के भाव लाने के लिए श्रोता में बहुत हायर गुण होने चाहिए। 16 गुण बताए श्रोता के एक श्लोक में व्यास जी 14। अब क्या करे, उसके लिए अलग क्लास का मन हो रहा है कि वो करे, लेकिन चलो महाविद्यालय भक्तों का आज्ञा है तो मैं कुछ कर ही रहा हूँ। एक तो हम ऐसे भी बोलने के अधिकारी और बुद्धि नहीं है, ऊपर से ऐसे विक्षेप हो जाते तो बहुत ये हो जाता है। मैं ये आपसे कह रहा था मूर्छा, हम लोग को तो गोपियों वाली विराट वाली मूर्छा नहीं होती, इसी टाइप की मूर्छा हो सकती है जो भी हो रही। मूर्छा अगर नहीं आती तो गोपियों का प्राण जीवन कितना मुश्किल हो गया। तो भगवान कृपा करके योग माया से आदेश देते मूर्छित कर देते, और यही गोपी का जीवन, गोपी भाव रसा मृतादि लहरी, ये हमारे गोस्वामियों का भी जीवन चरित्र था। तो गोकुल स्त्रीय, गोकुल स्त्रीय पर एक भाव एक आचार्य दे रहे हैं कि यहाँ पर कृष्ण कह रहे कि ये गोकुल की स्त्रियां, मतलब कभी मथुरा नहीं आएगी। गोकुल की स्त्रियां मथुरा नहीं जा सकती क्या? उसका वीजा नहीं है क्या? टेम्पो नहीं मिल रहा है क्या? जमुना में नाव नहीं है? बस केवल जमुना इस तरफ गोकुल, इस तरफ मथुरा, बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, तो क्या वो नहीं आ सकती? लेकिन भगवान कहते वो गोकुल की स्त्रियां है, और गोकुल चंद्र गोकुलानंद वो मुझे ही अपना मानती है। तो क्या मथुरा दिश तो आप ही हो ना? मथुरापति भी तो, मथुरा चंद्र भी तो आप हो? बोले मैं हूं, लेकिन गोकुल में जो मेरा गोप भाव और जो मेरा आत्मा है वो ये गोकुल की स्त्रियां। तो इस पर देखो, मतलब बहुत बातें हैं, लेकिन मैं संक्षेप में कहूँ कि लोक व्यवहार के लिए, क्योंकि गोपी है और गोकुलनाथ के प्रति उनका सहज प्रेम है, गोकुलपति कृष्ण के प्रति, गोकुलानंद के प्रति, राधा गोकुलानंद की याद आती है, विश्वनाथ चक्रधारा स्थापित हमारे वृंदावन में विग्रह है ना, राधा गोकुलानंद। तो गोकुलानंद के प्रति प्रेम तो अपार है, लेकिन गोपन की तो लोक व्यवहार और लोक के सामने आना दिखाना तो चाहती नहीं, क्योंकि गोकुल की स्त्रिया है, लज्जा धर्म है ना, लाज मतलब, लेकिन लाज लगाम को नैना मानत नहीं, लेकिन एक तरफ धर्म मरे तोड़ भी देती है छोड़ भी देती है कृष्ण हो तो, लेकिन अब जिससे प्राण जीवन वही दूर है तो क्या करे, न कहो जाए न सहो जाए और बिन देखे न रहो जाए। हमारी ब्रज भाषा में कहते न कहो जाए न सहो जाए और बिन कहे न रहो जाए, करे तो क्या करे गोपी। हाँ, ये गोपी की अवस्था है। और दूसरा कारण देखो, अभी भी इसका है प्राण रॉय, अपना माइक्रोफोन क्यों ऑफ ऑन किए है समझ में नहीं आ रहा। हरी बोल, थैंक यू। हम भागवत के श्लोकों को देखते देखते ये सब देखना पड़े वो भी अच्छा नहीं लगता हमको, क्योंकि चित्त वृत्ति वक्ता को खोना पड़ता है भागवत, तभी वो श्रोता को भागवत में यात्रा करा सकता है। ओके, एक दिन है सहलो आप लोग मेरे को, फिर आपके लिए अच्छे वक्ता आने वाले हैं।
अब कल के भरी हमको सहना है, फिर तो आप लोग प्रिय स्मरंत्यो अंग विमयंती गोकुल स्त्री। देखो ये सब आचार्यों के सुंदर भाव, ऐसी कथाएं बड़ी दुर्लभ हो जाती है, इसके लिए पात्र बनिए प्लीज। प्रियतम को असुविधा न हो हमारे कारण, इसलिए प्रेमी कभी भी मांगता नहीं, प्रेमी प्रियतम से कभी भी कुछ चाहता नहीं सेवा के अलावा। देखो प्रेम में पाना होता है, लेकिन पाने के लिए अपने को खोना होता है। जो अपने को खोना नहीं चाहता और केवल पाना चाहता है वो बातन को महाराज प्रेमी नहीं है। गोपिया सच्ची प्रियतमा है, सच्ची प्रेमिका है, इसलिए कृष्ण को मिलना देखना ही उनकी इच्छा है, लेकिन हमारे जाने से देखने से मथुरा भगवान को कृष्ण को प्राण जीवन धन को कोई विक्षेप न हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई दुख ना, उनका कोई कार्य अटक न जाए, इसलिए अपने को रोके रखी नहीं आ रही है मथुरा। ये बाह्य भाव और अंतर का भाव है कि ये गोकुल की स्त्रिया है और व्रज की नारिया है, जहां पर किया भावे अति रसेर उल्लास, व्रज बिना नहीं अन्यत्र तहवास, चैतन चरितामृत। ये अतरंग कारण है गोकुल स्त्रिया कहने का भाव भगवान का कि हे उद्धव वो पर किया रस में व्रज का आनंद, वो गोकुल की स्त्रिया इसलिए मथुरा नहीं आए। और प्रेम की एक पराकाष्ठा भी ये होती है कि अपने प्रियतम से दूर रहकर विरह में जो भक्ति का सर्वोच्च सुख है वो पूरे विश्व के वैष्णव को समझाना सिखाना दिखाना था, इसलिए गोकुल स्त्री है वो नहीं आए। ये गोकुल की स्त्रियों के विषय में ये वर्णन है। गोकुल की गली के पैडो ही न्यारो, के जाने विश्वभानु नंदिनी, के जाने कन्हैया कारो। ये गोकुल का जो प्रेम रस है ना, या तो गोपिया जानती है या कृष्ण जानते हैं, और दुनिया वाले नहीं समझ सकते इस बात को, लेकिन भाव हमारे वैष्णव आचार्य देते हैं तो कुछ कुछ प्रवेश हमारा होता है। अब एक प्रश्न है, स्मरयंती, चलो मूर्छित हो जाती है विरह व्याकुलता में, और भगवान योग माया से मूर्छित कर देता कि प्राण टिक जाए, नहीं तो जीवन ही न रहे, क्योंकि कंठ तक तो आ जाते हैं। ये सब भाव तो आपने सुना, लेकिन स्मरण के वो जब मेरा स्मरण करती है तो विमोहित हो जाती। तो एक प्रश्न होगा ना, भक्तों को प्रश्न होना चाहिए कि कौन सी लीला स्मरण करती, कौन सी बात स्मरण आते ही वो विशेष मुह्यंती, स्मरण करते ही मुह्यंती, लेकिन ऐसा कौन सा स्मरण हो रहा है कि विमुह्यंती विशेष मूर्छित हो जाती है। तो इसके लिए फिर हमें और ब्रजवासी संत वाणी आचार्यों का आश्रय लेना होगा। गोकुल की गेल 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 ग्वाली ना की, गोरस के काज लाज बस के बाई हो, कहे रत ना कर रिजाय बो ना बेली नी पो, गाई बो गवाई बो नाची बो नचाई बो। गोपियों को याद आता है वो रास, और रास में आप लोग सुने हैं प्रमुंजंत प्रेमणा सुमेनांग पाणिना, जब रास में गोपिया थक जाती थी तो कृष्ण अपनी गोदी में सुलाकर पीतांबर से गोपियों के मुख कमल पर जो रास नृत्य के परिश्रम के कारण जो पसीने के बिंदु ऐसे उभर आते थे, लग रहा था मानो कमल की पंखड़ियों पर मोती पड़ा। और कृष्ण जिसकी पूजा लक्ष्मी करती है, ब्रह्मा जिनका ध्यान धरते हैं, और मुनिंद्र वृंद वाले जो कहते ना कि कोटि ब्रह्मांड अधिपति योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनो भी, इस बात को यहाँ ले सकते हैं, और वे अपने हाथों से गोपियों का पसीना पोंछते हैं, ये बात गोपियों को चित्त में याद आ जाए। अब बहुत बातें हैं, ये तो पूरा पद में नहीं सुना, लेकिन जस्ट जो प्रेमी लोग हैं ब्रज के रसिक, उन्होंने कभी वैष्णव गुरुजनों से सुना सिखा तो उनको मैं केवल स्मरण करा रहा हूँ। ओके, यही हमारी सेवा है, और स्मरण कराने का लाभ है कि हमें भी तो ये स्मरण धन स्मरण संपत्ति प्राप्त होता है। एक बड़ा प्यारा पद राधा रानी
जब भगवान का स्मरण करती है, मैं इस बात को कहना चाहूंगा इस पद को, क्योंकि स्मरण थी भी मुह्यंति और गीता भी कहती है कथयन तस्य माम नित्यं तुष्यन्ति, बाकी उपदेश तो बहुत है और संसार में यम नियम ये सब चलता ही रहेगा। जब दशम स्कंद और कृष्ण जन्म आ रहा है तो कृष्ण को प्रेम करने वाली ब्रज गोपियों का जब आप स्मरण कर रहे हो तो वज गोपिया कृष्ण का क्या स्मरण करती थी, ये जानना बहुत जरूरी, हमारी सफल हो जाएगी कथा। तो सावन महीना चल रहा है राइट ब्रज में और सब जगह, और सावन में झूले लगते हैं और सभी जहाँ झूलन लीला होती और राधा रानी जब सावन आता है कृष्ण मथुरा गए तो मथुरा की ओर निगाहें करके इंतजार करती है कि माधव कब आए। सावन आ गए, आयो सखी सावन विदेश मान भावन जो कैसे करी मेरो चित हाय धीर धरी है। और कोई मौसम होता तो मैं सह लेती लेकिन सावन ऋतु आ गई और मेरा प्राण जीवन धन विदेश मथुरा में है और सावन के ये शीतल सुगंधित समीप और ये वृंदावन के निकुंज और उसमें लगे हुए झूले कैसे ए हे कौन झूलना इंडोरे बैठी संग मेरे कौन मनोहारी करी भुजा कंठ पारी है। ललिता जी राधा रानी अश्रु प्रवाह करती है तो ललिता जी कहते स्वामिनी जो मुझसे देखा नहीं जाता आप इतना अनुग्रह करो कि विशाखा तैयार है आपको जुलाने के लिए, आप कृपया विराजिए प्रिया जी। लेकिन राधा रानी कहती है ललिता मैं तो बैठ जाऊं लेकिन मेरे पास कौन बैठे। ऐसे कौन झूलना हिंडोरे बैठी संग मेरे, और मैं कभी कभी मान करती हूँ तो झूलन पर नहीं बैठती हूँ तो भगवान कृष्ण क्या करते थे आप ब्रज में सुने होंगे। भगवान कहते हैं मेरी प्राण प्रिया जो दास को क्षमा करके अनुग्रह करिए, एक प्रसाद दीजिए कि आप झूलन पर पधार, और भगवान मनाते थे और राधा रानी को प्रेम से मना के झूले पर बिठा कर उसके बाजू में बैठकर अपनी बाई भुजा राधा रानी को गलवाई देते। हमारे कृष्ण की भुजाओं का आदत है राधा। समझने का और पूरे विश्व को आधार देने वाले कृष्ण तो आधार लेना पड़ता है वृषभानु नंदिनी का, और बाई भुजा जब राधा रानी के श्री अंग पर भगवान रखते हैं तो हमें याद आता है गोवर्धन लीला, क्योंकि हमारा भागवत विद्यालय भक्त लोग गिरिराज में ही शरण में है ना, तो गिरिराज भी भगवान ने उठाया तो बाई भुजा से कनिष्ठ उंगली पर, और इसीलिए ब्रज के लोग तो कहते हैं कि राधा रानी ने उठाया, अगर कृष्ण उठाते तो दाहिनी भुजा से उठाते लेकिन बाई भुजा में तो राधा रानी का अधिकार है और राधा रानी ने कृष्ण को शक्ति दिया है वृषभानु क्या दुआ है राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिए उठा है, तो ये भी भाव अच्छा लगता है। तो राधा रानी याद करती कि कौन अपनी भुजा मेरे कंठ पर रखेगा। हरिश्चंद भिंजत बचे कौन भिंजी आप कौन उर लाई काम ताप निवारिनी है। और सावन की रिंजिन 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 वर्षा होती थी मंद मंद जलधरा जगर जो अनुसागरम, कृष्ण जन्म के प्रक्रम में भी सुखदेव जी ने श्लोक बोला ना, मंद मंद जलधारा बहती थी आसमान से वो अमृत बरस रहा है, तब तक भगवान राधा रानी के श्री अंग को जलधारा से विक्षेप न हो इसलिए खुद भींग के राधा रानी को आशरा देते अपने पीताम्बर ओढ़ाकर उठनी और पूरा ढक लेते राधा जी रात को। तो देखो राधा रानी कह रहे कि स्वयं भींजते थे लेकिन मुझे भींजने नहीं देते थे, और कौन उर लाई ताप काम मिटाई है, और मेरे मेरे हृदय में जो ताप है वो कौन मुझे गल आलिंगन देकर मेरा ताप नष्ट करेंगे। मानस में पग परी
कौन समा जो है आय, कौन मेरी प्राण प्यारी कही के पुकारी है। और हे मेरी प्राण प्यारी माफ कर दो, ऐसा कह के मेरे चरणों तक गिर जाते थे और वो आज याद आता है, स्मरंती विमुह्यंती, और ऐसा बोलते बोलते राधा रानी मूर्छित हो जाती, सारी संख्या पंख सखिया पंखा जलती थी, पानी छाटती थी, भोजन व्यवस्था करती थी, लेकिन कोई राधा रानी कृष्ण प्रेम रस विरह में डूबी रहती। इसी रस को लेने के लिए कृष्ण चैतन्य निज गूढ़ कार्य तुम्हार प्रेम स्वाद बहिरंग, ये तो बहिरंग कारण युग धर्म प्रचार हरिनाम संकीर्तन, मूल कारण तो राधाया प्रणय महिमा पितृशोवान एवा, चैतन्य महाप्रभु के जन्म का मूल कारण तो यही है ना भक्तों। तो इसी तरह स्मरण के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, इसी तरह और भी बहुत बातें हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको एक हिंट दिया, हमारे कहते हैं गुजराती में कि उस दो लोग वृंदावन की एक झलक दिया श्लोक का, शब्दों का आश्रय लेकर। तो धारयंती कृच्छेण प्राय प्राणान कथंचन, नेक्स्ट श्लोक 7 नंबर का 6 नंबर का सुखदेव जी सुना रहे भगवान कृष्ण के एज इट इज वाक्य को गंगा तट पर राजा परीक्षित को, धारयंती कृच्छेण, कृच्छेण बड़े कष्ट के साथ प्राणान धारयती, प्राय मर ही जाए मूर्छित हो जाती, लेकिन कथंचन शब्द दिया किसी कारण से। अब कथंचन मतलब किसी का प्रश्न होगा किस कारण से, इसीलिए हमें भागवत पढ़ दिया, भागवत स्थान है, भागवत के अर्थों को समझने के लिए वैष्णव परंपरा के प्रेमी भक्तों से सुनना पड़ेगा। सुखदेव जो बोलते हैं कि किसी कारण से बड़े कष्ट से प्राण धारण की हुई है, नहीं तो प्राण धारण मेरे प्रेम में मूर्छित नहीं प्राय चल गया, लेकिन कथन चन किसी कारण से। अब क्या कारण है तो कृष्ण जानते हैं या तो गोपियां जानती है, और गोपियों की और कृष्ण की जिस पर अनुग्रह है वे भक्त जानते हैं, इसलिए भागवत को जानने के लिए भक्त की शरण लेनी पड़ेगी, तब हम समझ पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। इस श्लोकों कल पढ़ेंगे, समय हो गया। हरे कृष्ण, मैं 2-5 मिनट छोड़ रहा हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, कोई सलाह है, कोई आज्ञा है, तो अपना दास समझ कर आप हमें जरूर कह सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे इस क्लास की कोई रिकॉर्डिंग अगर चाहिए तो कैसे मिलेगी? इसको रिकॉर्डिंग है, ये है ना अपने ये जो भागवत महाविद्यालय उसके यूट्यूब में पढ़ा रहे, और इसके अलावा भी हमने उद्धव संदेश पर एक विस्तार से कथा किया है, कुंदर कृष्णदास उद्धव संदेश हरे कृष्ण चैनल पर है, तो आएगा वो भी 7 दिन। हरे कृष्ण चैनल पे, हरे कृष्ण चैनल पे क्या टाइप करें? उद्धव संदेश, नहीं उद्धव संदेश भाई कुंडल कृष्ण डालेंगे तो ये तो आएगा ही, इसको भागवत महाविद्यालय का जो अभी लाइव हो रहा है, लेकिन हमने पहले भी कभी दिया है कहीं हिंदी में, हमारे इस्कॉन मीरा रोड में, तो वहां पर भी ये यूट्यूब में होगा, आप चेक कर सकते हैं, और ये भी यूट्यूब में आ जाता है आपके इस्कॉन भागवत महाविद्यालय जो होता है उसमें यूट्यूब में लोग बाद में अपलोड कर देते हैं तो आ ही जाता है, लेकिन ये सुनने लायक है नहीं, कुछ गलतियां होती है, आप भूल जाओ, अच्छे भक्तों का सुनो, बहुत सारे साधु संन्यासी का सुनना, हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कि हमें जैसे हम बताते ना इतनी अच्छी क्लास चल रही है तो कहते हैं हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो फिर हाँ मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग तो इसमें अपलोड रहेगा, मिल जाएगा। नहीं प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास देते हो आप, बड़ा हमारे पर कृपा हुई है भगवान की। हरे कृष्णा, यस बोलिए प्रभु और माता जी की बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपना प्रेशियस टाइम हम लोगों के लिए निकाला, बहुत बहुत सुंदर कथा है जो आप मोती बिखेर रहे हैं, हम मूर्खों के लिए हम उस पात्र भी नहीं है जो आप हम पर बिखेर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आप सब महान हो, जो कृष्ण कथा सुनता है ना वो बहुत बहुत श्रेष्ठ भगवान, देखो हमने एक बार सुना था कि राधा रानी की कृपा के बिना कोई कृष्ण लीला सुन नहीं सकता, और उसमें भी दशम स्कंद, तो स्पेशल जिस पर जिस भक्त पर राधा रानी की कृपा होती ना उसे ही मन होता है, इच्छा होती है, और भगवान राधा रानी कृपा करती है श्री जी तभी वो सुन पाता है, तो आप लोग विनम्रता है आप लोगों की,
फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा राधा रानी से कि आप सबकी कृष्ण कथा में प्रीति बढ़े, समझ बढ़े और आप सब इसी रस में डूबे रहो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी लगा। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं प्राण रॉय बोल रहा हूँ, क्षमा कर दीजिए, मैं थोड़ा नहीं देखा, म्यूट हो गया, जो म्यूट हो गया। ओके, कोई बात नहीं, और मैं पूरा भगवत कथा में पूरा कंसंट्रेट दिया इसलिए मैं नहीं देखा, अब क्षमा कर दीजिए मेरे को। ठीक है, खूब अच्छा आप प्रवचन दिया है, मेरा तो हृदय टच कर लिए। धन्यवाद, लेकिन जो दूसरे भक्तों को विक्षेप होता है तो वो भक्त लोग के लिए समझ। मैं तो अधम, मैं कोई योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपका भाव और उसको स्वीकार है और वांछा कल्पत रूपे भगवान बड़े दयालु है, तो अन्य भक्त जो सुन रहे हैं उनको विक्षेप हुआ, वे भक्त सब आपको क्षमा करें, और मैं तो भक्त ही नहीं हूँ तो मेरी तो क्षमा की कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन आपसे निवेदन है कि आपने ये कहा, ये बहुत अच्छा है और आप आगे से ध्यान रखेंगे, और से आप कोई मन में मत लीजिए प्रभु जी, और इसका आपको कुछ प्रश्न ये लग रहा है तो आप इस क्लास को फिर से सुनिए और इन श्लोक को याद करते, ओके, ताकि और कृपा मिले। हरे कृष्ण।